दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने गैलरी के फोटोज को जीमेल के अंदर सेव कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि गैलरी से हमारे जो फोटोज होते हैं वो गलती से डिलीट हो जाते हैं, हम उनको रिकवर नहीं कर पाते हैं, दोबारा से वापस नहीं ला पाते हैं। तो दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से अपने गैलरी के इंपॉर्टेंट फोटोज को जीमेल के अंदर सेव कर सकते हो। आपकी जो फोटोज हैं वो जिंदगी भर के लिए सेव हो जाएंगे, कभी भी आपके फोटोज डिलीट नहीं होंगे। अगर आपका फोन खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, टूट जाता है या रीसेट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, सिंपली आपको अपने जीमेल अकाउंट को दोबारा से लॉग इन करना है, ठीक है। अगर फोन रीसेट होता है, फॉर्मेट होता है, तो दोस्तों आपको अपने उसी जीमेल अकाउंट को लॉग इन करना है जिसमें आपने फोटो को सेव किया है। आपके सारे फोटोज दोबारा से वापस आ जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। फोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, नए फोन में आपको जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है, नए फोन में आपके सारे के सारे फोटोज दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने गैलरी के सभी फोटोज को जीमेल के अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम अपने कैमरे से कुछ फोटो अभी कैप्चर करते हैं, कुछ फोटो खींचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने कुछ फोटो कैप्चर कर लिया, ठीक है, कुछ फोटो खींच लिया है। जैसे हम गैलरी को ओपन करते हैं, अब आप यहां पर देख सकते हो हमने कुछ फोटो कैप्चर कर लिया है, कुछ फोटो हमने खींच लिया, ठीक है। और मैं आपको इन्हीं फोटोज को जीमेल के अंदर सेव करके दिखाने वाला हूं, और यहां से डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद भी हमारे सारे के सारे फोटोज जीमेल में सेव रहेंगे, ठीक है। आपको जीमेल ऐप को ओपन करना है, आपके फोन में जीमेल ऐप होगा, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। जब आप जीमेल ऐप को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोज, आपको कंपोज पर टैप करना है। दोस्तों जब आप कंपोज पर टैप करोगे आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब आपको अपने ही जीमेल अकाउंट पर एक मेल सेंड करने, ठीक है, और आपको फोटो को अटैच करके तभी उस मेल को भेजना है, ओके। आपको यहां पर फॉर्म में आपका जो जीमेल अकाउंट है वो शो हो जाएगा। इसके बाद आपको टू में भी अपने ही जीमेल अकाउंट को डालना है, ठीक है। जो जीमेल अकाउंट ऊपर शो हो रहा है उसी को आपको टू में डाल देना है, ठीक है। हम डाल देते हैं, जब आप पहला वर्ड लिखोगे, ठीक है, पहला अक्षर लिखोगे, आपका जो जीमेल अकाउंट है वो आ जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर हमने अपने ही जीमेल अकाउंट को टू में डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट में लिख देना है माई फोटो, ठीक है, या आप कुछ भी पहचान के लिए लिख सकते हो, हम डाल देते हैं माई फोटो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको अपने सभी इंपॉर्टेंट फोटोज को अटैच करना है, जिन फोटोज को आप जिंदगी भर के लिए सेव करना चाहते हो आपको उन फोटोज को अटैच करना है, ठीक है। आपको ऊपर राइट साइड में ऊपर तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको इस पर टैप करना है, पहले वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आपको अटैच फाइल पर टैप करना है, ठीक है। आपके फोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी और दोस्तों आपके सारे फोटोज आपको यहां पर शो हो जाएंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये फोटोज शो हो रहे हैं, ठीक है, हमने इन्हीं फोटो को अभी कैप्चर किया है। सिंपली आपको अपने फोटोज को सेलेक्ट करना है, इस तरह आपको फोटोज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फोटोज को सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट पर टैप करना है। अब दोस्तों आपकी जो फोटोज हैं वो यहां पर ऐड हो जाएंगे, आप देखो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको सेंड करना है, आपको ऊपर तीन ऑप्शन मिलेंगे, आपको बीच वाले ऑप्शन पर टैप करना है। आपको सेंड पर टैप करके अपने ही जीमेल अकाउंट पर, अपने ही जीमेल पर खुद से मेल आ जाएगा, ठीक है, खुद से मेल करना है। देखो यहां पर सेंडिंग हो रहा है, अभी आप कुछ सेकंड बाद देखोगे तो हमें एक मेल रिसीव होगा, ठीक है, हमें एक मेल रिसीव हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो
हमारे पास एक मेल रिसीव हो चुका है माई फोटो के नाम से, ठीक है, हमने अपने ही जीमेल अकाउंट से, अपने ही जीमेल आईडी से खुद के पास मेल सेंड किया, ठीक है, फोटो को अटैच करके, और आप यहां पर देख सकते हो मेल हमारे पास आ चुका है। जब आप इस पर टैप करोगे दोस्तों, आपके सारे फोटोज आपको यहां पर शो हो जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हो सारे के सारे फोटोज यहां पर सेव हो रहे हैं, जिन फोटोज को हमने सेलेक्ट किया था वो फोटोज यहां पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम गैलरी से इन फोटोज को डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद भी हमारे फोटोज जिंदगी भर के लिए सेव रहेंगे, ठीक है, हम इन फोटोज को गैलरी से डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों गैलरी से हमने इन फोटोज को डिलीट कर दिया है, ठीक है, अगर हम इसको बिन से भी डिलीट कर देते हैं या रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट कर देते हैं, इसके बावजूद भी हमारे सारे के सारे फोटोज सेव रहेंगे। हमने यहां से भी इन फोटोज को डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब हम जीमेल ऐप को ओपन करते हैं, ठीक है, यहां पर हमने इसको ओपन कर लिया है और आप यहां पर देख सकते हो माई फोटो के मेल में हमारे सारे के सारे फोटोज सेव हैं। अगर हमें इनको दोबारा से गैलरी में वापस लाना है तो सिंपली आपको यहां से अपने फोटोज को डाउनलोड करना है, आपको अपने फोटोज को डाउनलोड करना है दोस्तों, डाउनलोड होकर आपके सारे के सारे फोटोज गैलरी में शो हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप गैलरी में अपने फोटोज को शो कर सकते हो, सेव कर सकते हो, दोबारा से वापस ला सकते हो, ठीक है। मैं आपको गैलरी को ओपन करके दिखाता हूं, हमने गैलरी को ओपन कर लिया, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हो हमारे सारे के सारे फोटोज दोबारा से वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने गैलरी के फोटोज को जिंदगी भर के लिए जीमेल में सेव रख सकते हो। अगर आपका फोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है, सिंपली आपको अपने इसी जीमेल अकाउंट को नए फोन में लॉगिन करना है, पुराने फोन में लॉगिन करना है, जिस भी फोन में आप लॉगिन करोगे, और इस मेल को ओपन करके अपने सारे के सारे फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में आपके फोटोज मिलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है जिंदगी भर के लिए अपने फोटोज को सेव करने का। जब तक आपका जीमेल अकाउंट आपके पास रहेगा दोस्तों, आपके सारे के सारे फोटोज आपके पास सेव रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।